दिल वाले आओ, कितने प्यारे लग रहे हैं दिल शेप में, देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आपका वेलकम जो है वो वॉइस ओवर में कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन से आम आए हैं, ये मेरी मम्मी ने पेड़ लगाए हैं। एक पेड़ है जिस पर मीठे आम आते हैं और एक पे बहुत ज़्यादा खट्टे, तो अचार रखा जाएगा और आमचूर पाउडर, बहुत सारी चीज़ें, कुछ आम पकाई भी जाएंगी। सो गाइस ये देखिए दो आम उसमें निकले, दिल वाले आओ, कितने प्यारे लग रहे हैं दिल शेप में, देखो दोनों दिल शेप में। अचार आमचूर बनाएंगी, इसमें गुटली हिल रही है अंदर। तो भैया हैं ये आम काट रहे हैं, क्योंकि ना इससे ना हर कोई नहीं काट पाता, हाथ कटने का डर रहता है और काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये एक तरफ आप जो ब्लू कलर के तसले में देख रहे हो, इसमें ना मतलब इस तरीके के आम रखे जाएंगे, पूरी आम को नहीं हटाया जाता, अलग अलग नहीं किया जाता है। और एक तरफ आप देख रहे हो आधे आधे छील के आम रखे हुए हैं, इसका लहसुन वाला अचार रखेंगी मम्मी, और ये बिल्कुल अलग अलग पीस हो रहे हैं, तो तीन तरीके के शेप में अचार रखा जाएगा। तो ये भैया काट दें, उसके बाद हम लोग इसको छत पे लेके जाएंगे और फिर इसको सुखा देंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद शाम को इसका अचार रखा जाएगा। तो इसी शेप में भैया अचार काट रहे हैं, आप देख सकते हो, अचार कह रही हूँ मैं, आम ही काट रहे हैं। काट तो मैं भी लेती हूँ बट बड़ा प्रेशर से लगाना पड़ता है, तो तीन तरह के अचार रखे जाएंगे। तो ये मैं आ गई हूँ छत पर सुखाने के लिए आम, दीदी भी हैं और कपड़े देखो सूख चुके हैं, तो कपड़े भी उठा ले जाऊंगी और आम भी सुखा देती हूँ। ये तकत ना खाली पड़ा रहता है, मतलब इस पे रात को सोते हैं, यही सो जाते हैं। तो आम वगैरह जो वो सूख चुके थे कुछ टाइम के बाद, तो अभी शाम हो चुकी थी, तो फिर मैं मम्मी ने मंगाए थे वो अचार रखने के लिए जा रही हैं, तो वही मैं आ गई हूँ आम को लींचे लेके। अब तैयारी करते हैं आम अचार वगैरह रखने की। तो ये जो छिले हुए आम थे ना, जिसको मैंने नहीं, भैया ने हाफ हाफ किया था, उसके अंदर ना मतलब खाल खाल सी रहती है, तो वो खाते टाइम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मम्मी ने बोला उसको निकाल दो। और ये लहसुन छील लेते हैं, क्योंकि जो छीले हुए आम है उसमें लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन वाला अचार होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो लहसुन छील लेते हैं, बहुत सारा लहसुन छिलेगा, तो बहुत सारा लहसुन छील लेते हैं, उसके बाद मम्मी जो भी बताएंगी करते जाएंगे, मम्मी अचार बनाती है हमेशा। तो ये मैं जीरा भून रही हूँ, जीरा भून के इसको पीसेंगे। जीरा और मेथी मम्मी ने भूनने के लिए बोला था, तो गोल्डन गोल्डन इनको भून के पीस लूँगी, और लाइट आ नहीं रही है इस वजह से ना सिल पे ही पीसेंगे। तो ये गरम गरम है इसलिए जल्दी पीस जाएगा, वरना बहुत टाइम लगता। तो पीस लेते हैं एकदम थिन सा पेस्ट, मतलब पेस्ट बोल रही हूँ, थिन सा पाउडर बना लेंगे। और ये मम्मी बनाने जा रही हैं अचार, तो हल्दी डाल दी है, मतलब जिस हिसाब से क्वांटिटी होती है उस हिसाब से मसाले पड़ते हैं। तो मुझे क्वांटिटी तो पता नहीं आम की, आप देख सकते हो वीडियो में जितने टोकरी में रखे हुए हैं। तो हल्दी डाल दी है और लाल मिर्च डाल दी है, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी 2 से 3 बड़े चम्मच डाले हैं, और इसी तरीके से मिर्च, और ये 1 चम्मच भुना हुआ चीना पाउडर, और मेथी पाउडर, भुना हुआ मेथी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगी मम्मी इसमें। और ये है सौंफ, है ये सौंफ डाल दी है, और ये राई है, सरसों, इसको भी मतलब ये भुना हुआ नहीं है, भुना हुआ भी है और बिना भुना हुआ भी है, दोनों तरीके के रखे हुए हैं, क्योंकि एक भुना हुआ बनाते हैं एक सिंपल। और ये आनने देख रहे हो कितनी शैतानी कर रही है, डब्बे के साथ खेल रही है। तो इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे, और मतलब ताकि जो अचार हम उसमें मसाला भरेंगे ना, तो वो आसानी से भर जाए, तो ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम सा। उसके बाद ये सजी वाली आमी सबसे पहले इसके अंदर मसाला भर देंगे, बस 4 पीस किए जाते हैं, बट उन्हें सेपरेट सेपरेट मतलब अलग अलग नहीं किया जाता है, और तेल में डुबो के रखेंगे जिससे फफूंदी नहीं आती है, वरना अगर सूखे सूखे रहेंगे तो उसमें फफूंदी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसी तरीके से मसाला भर के अंदर तेल में डुबो डुबो के डब्बे में भरते जाएंगे, और डब्बे बिल्कुल सूखे होने चाहिए, बिकॉज़ अचार ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी पानी वगैरह हुआ ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल चलाना होता है ना। अभी लहसुन वाला अचार रखने जा रहे हैं, इसमें भी वही सेम टू सेम मसाले,
हल्दी, नमक। अभी मम्मी के हाथ ना ख़राब थे, मतलब मसाले लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा तुम डालो मसाला। तो वही सौंफ, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें मिलाना है। मम्मी बता रही हैं कितना क्या क्वांटिटी में डालना है। और ये मेथी और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है इसमें मैंने, मिक्स करके तेल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स, मतलब गीला सा इसका भी पेस्ट बना लेंगे और ये पूरा इसमें ऐड करने कर देंगे। ये वाला अचार ना पापा का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये लहसुन देखो इतना सारा छीला था, ये भी इसी में मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से अंदर पहुंच जाए इसके। और ये अब एक लहसुन की एक कली और एक आमी, इन दोनों को एक में मतलब करके एक साथ अंदर डब्बे के डाला जाएगा ताकि जो लहसुन का टेस्ट है ना वो एक एक आम के अंदर अच्छे से पहुंच जाए। तो बस इसी तरीके से ये रखा हुआ था जो पहले अचार बनाया था ना उसमें जो तेल था, तो वही डाल दी। मम्मी को सूखा सूखा सा लग रहा था इस वजह से। तो इसी तरह से कर कर के मतलब एक एक लहसुन एक एक पीस में आना चाहिए ताकि उसका जो टेस्ट है वो लहसुन वाला लगे कि लहसुन वाला अचार है। और ये अभी मैं काट रही हूँ आमी, और मतलब अचार रखा जाएगा। मैं भी ट्राई करती हूँ, देखो मेरे से नहीं हो पा रहा है। मतलब भैया एकदम से जैसे एक झटका मारते एकदम से अलग हो जाता है वो, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी ने बोला संभल के करना, उंगली ना कट जाए तुम्हारी। लेकिन मैं ट्राई किया तो हो गया था, मतलब सही से हो गया था। तो इसको भी सुखा देंगे जाके छत पर ले जाके। सभी लोग बैठे इस टाइम ना पूरे घर में, इतनी लेथन सी रहती है क्योंकि आमी वगैरह आ रही है ना, इस वजह से कचरा कचरा सा रहता है पूरे घर में। सो गाइस, वो वाली जो मैंने काटे थे उसको मैं छत पे डाल के आ गई हूँ। सॉरी, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर पे, छत पे बहुत तेज धूप थी और मुझे कोई दिख नहीं रहा था, तो मैं फोन नहीं लेके गई छत पे। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वाकई मम्मी आज भी उसी टाइप के अचार रखेंगी, मतलब अलग अलग शेप में काट के, मसाला वगैरह तो वही रखती हैं। सो आज ये वाला नेक्स्ट ब्लॉग एंड कर रही हूँ मैं। सो अभी खाने जा रही हूँ, देखो मैं कुछ खाने जा रही हूँ। ये ना प्याज वाली रोटी है, घी लगी हुई। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक दे देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, आम वगैरह छील के हम लोग बैठे हुए थे, आम छील लिए। घर में ना वाइट वाइट हो गया क्योंकि आम में ना एसिड सा होता है, एकदम वाइट वाइट सा हो गया। इतने खट्टे खट्टे आम है, मतलब मीठे भी हैं और लेकिन खट्टे भी हैं। देखो राधिका फैल ले गया, इन बच्चों को बड़ा आम पसंद है। ये देखो, इन्हें देखो, आम ही है हाथ में, पढ़ती जा रही हैं, आम खाती जा रही हैं। नमक मिर्च के साथ टेस्ट तो बड़ा आता है, लेकिन दांत इतने खट्टे हो गए ना, खाना भी नहीं खाया जाएगा। बहुत दांत खट्टे हो गए सही में।